हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कलंजू का प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। विंटर में फ्लावरिंग करता है और इस टाइम इसके प्रोपगेशन का टाइम है। बहुत जल्दी इसके प्रोपगेशन हो जाते हैं। कोई भी ब्रांच इसके काट कर, नोट के नीचे से काट कर अगर लगा दिया जाए तो 2-3 महीने के अंदर इसके ग्रोथ शुरू हो जाते हैं। पत्ते के नीचे से नोट्स होते हैं और उसके नोट्स के नीचे से इसको कट करना है और ऑयल ड्राइंग मिट्टी में इसको लगा देना है। तो मैंने कैसे मिट्टी तैयार की इसके लिए, मैंने गार्डन सॉइल लिया है जिसमें ऑलरेडी सैंड मिक्स्ड हुआ है, पार्लाइट लिया है जो सकुलेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, और मैंने फंगस ना लग जाए इसलिए एंटी फंगस पाउडर लिया है और वर्मी कंपोस्ट लिया है। सब मिक्स करके अब इसमें प्लांट लगाना है। नीचे की तरफ जो पत्ते है उसका ज़रूरत नहीं है इसलिए उसको तोड़ के फेंकना है और उसको लगा देना है। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। 2-3 महीने के अंदर ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा और अच्छी फूल भी देगा। ये रेड कलर का कलंजू का प्लांट का कटिंग्स है और इसमें अब पानी देना है। इसमें लगाने के बाद, कटिंग्स लगाने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है, मगर आप रोज़ रोज़ इसको पानी नहीं देना है। जब टॉप सेल ड्राई हो जाए उसके बाद ही पानी देना है और शेडी एरिया में इसको रखना है। एक हफ्ता शेडी एरिया में रखने के बाद फिर रोज़ इसको मॉर्निंग का धूप देना है। फिर 2-4 घंटे का धूप इसमें लग जाए तो बहुत बढ़िया है। तो आशा करती वीडियो आपको अच्छी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।